आज हम साबूदाना के बड़े ही टेस्टी क्रंची जो है साबूदाना के बड़े बनाएंगे, तो उसकी रेसिपी हम अभी दिखाएंगे। इस प्रकार है, इसे पानी डाल के कम से कम से 4 घंटे के लिए भिगा कर छोड़ देंगे। साबूदाना का बड़े बनाने के लिए मैंने ये इस तरह से ये साबूदाना को निधो को निधार दिए हैं 1 घंटे के लिए। अब जितने ही हमारे साबूदाना है उतने ही हम यह मैश किए हुए आलू को रख डालेंगे बराबर मात्रा में, तभी साबूदाना के बड़ा जो है अच्छे से बनेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सादा नमक और डालेंगे इसमें थोड़े से 1 चम्मच जो है काला नमक स्वाद के लिए, और ऐड करेंगे इसमें हरी मिर्ची काटी। अब मैं इसमें साबूदाना के बड़े में इस तरह से रोस्टेड मूंगफली इसको ग्राइंड में थोड़ा दरदरा पीस कर डालेंगे, इससे स्वाद जो है हमारा बहुत बढ़ जाता है। और ऐड करेंगे इसमें कटे हुए प्याज, और ऐड करेंगे इसमें कटे हुए धनिए। अब इन सबको मिक्स करेंगे, मैं आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे हाथों से, इस तरह से ले करके बॉल बनाना है। बॉल बनाने के बाद हम हाथ में पानी डाल करके इसे बड़े के आकार देना है, मीडियम मोटा ही रखना है, ज्यादा पतला करेंगे तो क्रंची हो जाएंगे। अब हम इसे गरम तेल में इस तरह से एक एक डालेंगे। साबूदाना के बड़े को 2 या 3 नहीं डालते हैं वरना चिपक जाते हैं। 1 मिनट सुनहरे होने के बाद ही पलटाएंगे वरना हमारे चम्मच में जो चिपक जाते हैं। अब ये पक चुके हैं लगभग, इसे हल्के ही फ्राई होने देना है और उसके बाद में निथार करके इसे हमें निकालना है। इसी तरह से हमने सबको इस तरह से जो है बॉल बना दिए हैं। बॉल बनाने के बाद में मैं ऐसे एक एक करके सबको डालूंगी। तो इस तरह से हमारे जो टेस्टी क्रंची साबूदाना के बड़े बहुत ही अच्छे टेस्टी रेडी हो गए हैं। मैं दिखाती हूँ इसे, इस तरह से बहुत ही टेस्टी है ये। इसे बहुत ही ज़्यादा क्रंची नहीं करना है, थोड़े से सॉफ्ट रखने हैं। इस तरह से हम इसे नारियल की चटनी या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं।